मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। असी सुनो रे साधु सुनो रे संतों देखा मैं इसरार जी। सुनो रे साधु सुनो रे संतों देखा मैं इसरार जी। जो जन इसका मरम पछाने ता पर मैं बलहार जी। कहते साच है कहते साच है कहते साच है कहते साच है। अद्भुत वृक्ष अनोखा जामे छोटी मोटी शाख घनी। मूल गगन है जाकी टहनी इधर उधर बहुलाख तनी। ताके में वे बहुत रसाले खावत क्षुधिया खाक बनी। खावत क्षुधा खाक बनी ऐसे तरवर की छाया को चाहत देव उदार जी। जो जन इसका मरम पछाने ता पर मैं बलिहार जी। कहते साच है कहते साच है कहते साच है कहते साच है। एक भवन दो सुर भी देखी एक छोटी एक आली है। छोटी का रंग धवन मनोहर मोटी रंग की काली है। छोटी का है दूध रसीला पीवत उत्तम मराली है। पीवत उत्तम मराली है दूध बड़ी का पीवन वाला भरमत बारंबार जी। जो जन इसका मरम पछाने ता पर मैं बलिहार जी। कहते साच है कहते साच है कहते साच है कहते साच है। पुरुष अरूपी सुन से गिरिया नव पुत्री ता झपट लिया। चतुर्भांत के वस्त्र पहने एक एक ने ताह दिया। पीछे बन गए रूप अनेका देख देख खुश होए जिया। देख देख खुश होए जिया ब्रह्म पुत्र व पुरुष पता कर दिखलाया निज सार जी। जो जन इसका मरम पछाने ता पर मैं बलिहार जी। कहते साच है कहते साच है कहते साच है कहते साच है। एक महल अति अद्भुत ऊंचा नैन बिना सो दुष्ट पड़े। कैसे बनिया किसे बनाया अंत न आवत वेद रे। भीतर जावे लौट न आवे नागा को प्रवेश करे। नागा को प्रवेश करे कहे त्यों सो नागा होवे गुरु कृपा जिहि धार जी। जो जन इसका मरम पछाने ता पर मैं बलिहार जी। कहते साच है कहते साच है कहते साच है कहते साच है। राग आशा भजन 80। सुनो रे साधो सुनो रे संतो देखा मैं सरार जी। जो जन इसका मरम पछाने ता पर मैं बलहार जी। कहते साच है परम आधार्य आराध्य आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज इस पावन भजन में जो उनकी गूढ़ वाणी है उसमें फरमाते हैं कि हे संतो
हे साधो, हे जिज्ञासुओ, ध्यान देकर श्रवण करिए। मैंने एक अद्भुत आश्चर्यजनक नजारा देखा, जो इसका वास्तविक अर्थ समझेंगे उन पर मैं बलहार जाऊं। कौन सी बात देखी? अद्भुत वृक्ष अनोखा, जामे छोटी मोटी शाख गनी, मूल गगन है जाकी टहनी, इधर उधर बह लाख तनी। यह मनुष्य शरीर रूपी अनोखा वृक्ष है, जिसमें छोटी मोटी अनंत शाखाएं हैं। शरीर की कर्म इंद्रियां उसकी शाखाएं हैं। जिस वृक्ष का मूल जड़ ऊपर है, जड़ वृक्ष की हमेशा नीचे होती है, लेकिन ये अनोखा वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ऊपर सिर है, नीचे इंद्रियां हैं, तो इस प्रकार से जड़ इसकी ऊपर है, लाखों नसें और नाड़ियां इस शरीर रूपी वृक्ष में व्याप्त है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही शांति और मुक्ति रूपी मेवों की प्राप्ति होती है। तांके मेवे बहुत रसाले, खावत क्षुदा खाक बनी। भूख निवृत्त होती है, बुभुक्षा निवृत्त हो जाती है। यह शरीर मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ऐसे तरवर की छाया को चाहत देव उदार दे। ऐसे वृक्ष की छाया को देवता गण भी चाहते हैं। सुर दुर्लभ इस शरीर को कहा गया है, नर समान नहीं कम नव देही, जीव चराचर जाचत जेही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता भी इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति की जाती है। एक भवन दो सुर भी देखी, एक छोटी एक आली है। छोटी का रंग धवल मनोहर, मोटी रंग की काली है। इस मनुष्य के अंतर मन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां निवास करती है, एक सद प्रवृत्ति, दूसरी कुप्रवृत्ति। एक सुमति एक कुमति, एक सद्बुद्धि एक कुबुद्धि। अंतर्मुखी वृत्ति जो अंतर में बैठे उस ईश्वर के तत्व की ओर ले जाती है, और दूसरी है बहिर्मुख वृत्ति जो बाह्य विषय सुख भोगों की तरफ ले जाती है। सद्वृत्ति श्वेत वर्ण गऊ के समान है और असद्वृत्ति श्याम वर्ण गऊ के समान है। सुरभि अर्थात गाय एक धवल मनोहर श्वेत रंग वाली, दूसरी रंग की काली। सत प्रवृत्ति श्वेत, असत प्रवृत्ति श्याम वर्ण की है। छोटी का है दूध रसीला, पीवत उत्तम मराली है। सद प्रवृत्ति को धारण करने वाला वो हमेशा ही आनंद में मगन रहता है। छोटी का है दूध रसीला, पीवत उत्तम मराली है। उसका दूध पीने वाला उत्तम जिज्ञासु है, अर्थात सत प्रवृत्ति को धारण करने वाला उत्तम जिज्ञासु है, और असत वृत्ति वाला दूध बड़ी का पीवन वाला भरमत भारम बारजी। असत प्रवृत्तियों को धारण करने वाला बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आता है, आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। पुरुष अरूपी सुन से गिरिया, नभ पुत्री ता झपट लिया, चतुर भांति के वस्त्र पहने, एक एक ने ताहे दिया। पुरुष अगम अरूप अगोचर परिपूर्ण पारब्रह्म जो पहले एक था, उसने संकल्प किए एको हम बहुश्यामह, मैं एक से अनंत बन जाऊं। तो उसके संकल्प से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई,
और प्रकृति रूपी नभ पुत्री, क्योंकि प्रकृति पुरुष के अधीन है। उस प्रकृति ने पुरुष के संकल्प को झपट लिया, ग्रहण कर लिया और चार खानियां स्वेदज, उद्भुज, अंडज, जेरज, इन चार खानियों में सारी सृष्टि की रचना हो गई। फिर इन चार खानियों से अनेक रूप वाली 84 लाख योनियां सृजित हुई। ब्रह्मपुत्र वह पुरुष बताकर दिखलाया निज सार जी। ब्रह्मपुत्र अर्थात श्री गुरुदेव जी, सदगुरुदेव ने उस पुरुष अर्थात परमात्म तत्व को लिखाकर सब सार सत्य स्वरूप का दर्शन करा दिया। एक महल अति ऊंचा, अद्भुत ऊंचा, नयन बिना सो दृष्ट पड़े। एक महल अति अद्भुत ऊंचा, नयन बिना सो दृष्ट पड़े। एक सुंदर महल, अद्भुत अनोखा महल, बहुत ऊंचा, इस मायक जगत में जो बहुत उससे बहुत श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। अपने आत्म स्वरूप रूपी महल वो बिना इन बाहरी चरम चक्षुओं की सहायता से दिखाई पड़ता है। अंतर के नेत्रों से कैसे बनिया, किसे बनाया, अंत न आवत वेद रे। उसे नेति नेति कह के शास्त्रों ने पुकारा कि उसका कोई अंत नहीं, कब से बना, कैसे बना, भीतर जावे लौट न आवे, नागा को प्रवेश करे। जहाँ पे नागा अर्थात जिसने अहंकार का त्याग कर लिया वही उस महल में प्रवेश करता है और एक बार तस घर में जाके फिर लौट नहीं आता है। यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। उस परम धाम रूपी महल में जिसने अपने मन को मार लिया, गुरुदेव का आश्रय लिया, वही प्रवेश करता है। कहे टेहूं सो नागा होवे गुरु कृपा जह धार जी। जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई वही नागा उस आत्म रूपी महल में, परम घर में, अमर लोक में प्रवेश कर सकता है। तो सुंदर शिक्षा इस भजन के द्वारा गूढ़वाणी में गुरु महाराज जी ने जिज्ञासुओं के हितार्थ कही है। सुन करके अपने मन को आनंदित करे। रापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर
प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।